महाराज कार्तिक महीना शुरू हो गया है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हवश्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत माने चैत्र शुक्ल का पहला महीना, दो महीने होते ना, तो उसका जो पहला महीना है कार्तिक, कार्तिक में आज भी माताएं संपूर्ण कार्तिक मास का स्नान करती हैं। अनादिकालीन परंपरा है ये, केवल ब्रजांगनाओं से शुरू नहीं हुई, पहले से है ये। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हवश्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। नित्य प्रति जमुना जी का स्नान करती हैं, कात्यायनी जी का पूजन करती हैं, जमुना जी और तुलसी जी की परिक्रमा करती हैं। और क्या मांगती हैं पूजन करके? एक ही कामना, एक ही आकांक्षा, एक ही अभिलाषा। क्या मांगती हैं पूजन करके? कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंदी गोपी सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे भगवती, हे अनादि शक्ति, हमारी और कोई अभिलाषा नहीं, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद नंदन श्याम सुंदर को आप हमारा पति बना दो, प्रियतम बना दो, ये हमारी अभिलाषा है। देखिए ये जो दो लीलाएं हैं, उन दो लीलाओं पर लोग बहुत आक्षेप करते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये कथा किसको सुनाई जा रही है, जिसको सात दिन में मरना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, और उसमें भी उसके कितने दिन निकल चुके हैं, पांचवा दिन चल रहा है। ऐसे को सांसारिक विषय लीला क्यों सुनाएंगे? और हर एक श्रीमद् भागवत के स्कंद के बाद में लिखा हुआ है इति पारमहंस संगतायाम। ये जो संगीता है ये परमहंसों की संगीता है। परमहंस लोग का मतलब ये होता है जो सामान्य संसार से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे लोगों की संगीता है। सामान्य संसार में पड़े हुए लोगों की नहीं है, इसलिए ये ब्रजांगनाएं। तो सबसे पहले तो आप देखो, लोग कहते हैं कि भगवान ने उन स्त्रियों के कपड़ों को उठा लिया जो निर्वस्त्रों के स्नान कर रही थी और ऊपर जाके टांग दिया, और फिर उनसे कहते हैं कि आप बाहर आकर के वस्त्र मांगो, फिर कहते हैं हाथ जोड़ कर। तो ये लीला क्या है? तो देखिए ये परमहंसों की संगता। अब आप एक चिंतन करो, यहां जो कथाएं ना, कथाओं के माध्यम से कुछ और सिखाया जाता है। जैसे आपको महात्म्य बनाया बताया गया कि नारद जी महाराज वृंदावन में आए तो एक स्त्री मिली, वो भक्ति महारानी थी। अब भक्ति महारानी कोई स्त्री है क्या? आप देख सकते हो क्या? हाँ, स्त्री लिंग आप कर सकते हो कुछ भी, लेकिन कोई वो स्त्री थोड़ी थी कि जो वहाँ पर बैठी हुई थी। ज्ञान और वैराग्य को पुरुष रूप में आप कह दो, लेकिन वो कोई पुरुष थोड़ी थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे। वो तो एक समझाने की विधा है कि इस तरह से आपको बात समझ में आ जाएगी, इसलिए उनको प्रैक्टिकल के रूप में दिखा दिया। उसी प्रकार से यहाँ जो गोपियाँ हैं, जहाँ भी गोपी शब्द है, गोपी का अर्थ आप ये मत समझ लेना कि गोपी का मतलब एक स्त्री, बस गोपी कहो तो एक राजस्थानी छोरी बना देंगे, कम कपड़े पहने हुए, बगल में मटकी लगे हुए चली जा रही। गोपी का मतलब ये है गोमणि इंद्रियां और पा पाने, पा धातु पान करने अर्थ में है, और उसमें स्त्री उच्छायमादि लगा लगू करके जैसे भी बना हो। तो गोपी शब्द इंद्रियों से, गो से बना है। तो इसमें दो शब्द हैं, गो और पी। गोमनी जब हम समस्त इंद्रियों के द्वारा केवल भगवत भक्ति रस का ही पान करने लग जाएं, उस चरमोत्कृष्ट अवस्था का नाम ही गोपी है, यहाँ कोई स्त्रियां नहीं है। इसलिए वो जो है, और वो मेरी जो गोपी है, जो आत्मा है, वो हीरा हिराए गए हो कचड़े में। ये जो आत्मा रूपी गोपी है वो दो कपड़ों में लिपटी हुई है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। आत्मा के ऊपर दो प्रकार का शरीर होता है, स्थूल शरीर अन्नमय कोश होता है, जो अन्न खा करके ये बड़ा हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये अन्न से होता है। अगर कोई दुबला पतला हो जाए तो कहते भैया खा पी नहीं रहे हो क्या आजकल, क्यों दुबले पतले? ये अन्नमय कोश है। और एक होता है मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर। जब आप स्वप्न में सो जाते हो तो जिस शरीर के द्वारा आप उड़ते हो या फिर लड़ते हो, जो भी स्वप्न में आप देखते हो, वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको भी दुख होता है। जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे न दूर दुख होई, तो वह भी एक शरीर है।
तो इस प्रकार से इसमें ये जो गोपी है इसके चिराहरण का मतलब ये हुआ, भगवान जब कृपा करते हैं, सदगुरु जब कृपा करता है, तो जो आत्मा के ऊपर जो दो वस्त्र पड़े हुए हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों आवरण को हटा देता है, तभी परमात्मा तत्व का उजागरीकरण होता है। तो यहां भी ब्रजांगनाएं स्नान कर रहे हैं और भगवान से कहते हैं कि मैया से मांगते हैं कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरु तेन महा, तो भगवान वहां पर आ गए। ताशान से वाशाप नीत है और उन्होंने क्या किया, भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर, ध्यान देना चाहे महाराज की गोपियां हो चाहे यहां की गोपियां हो, जब ऐसी किसी लीला का निष्पादन श्रीमद वेद व्यास जी करते हैं तो वहां पर भगवान को योगेश्वर कहते हैं, और यहां वस्त्र हरण कर रहे हैं, यहां योगेश्वर नहीं कहा, योगेश्वरेश्वर, योगियों के जो ईश्वर हैं उनका भी ये ईश्वर है, इतना शरीर से अलग है। योगी उसे कहते हैं जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो। तो योगेश्वर कौन है, पहले योगी कौन है, आप ये देखो, कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमल चमस्कार भाजन आदि योगी है, और इनका ईश्वर कौन है, शंकर जी परम योगी है, और उन शंकर जी का भी जो योगी है उनका भी जो ईश्वर है वो बाबा भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज, योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों का ईश्वर। भगवान तदभिप्रेत्य, और यहां पर भगवान शब्द का, भगवान का मतलब होता है खड़ेश्वरी संपन्न है, इसके पास में कोई अभाव नहीं है, सारी दुनिया इसकी बनाई हुई है, खड़ेश्वरी संपन्न परमात्मा को भगवान कहते हैं। एक ही श्लोक में दो शब्द दिए, भगवान और योगेश्वरेश्वर। ध्यान रखना, ये जो लीला कर रहा है सांसारिक प्राणी नहीं कर रहा है, ये भगवान है, ये जो लीला कर रहा है वो सामान्य प्राणी नहीं, वो योगियों का, योगेश्वरों का भी योगेश्वर है भगवान तदभिप्रेत्य। और इसलिए कृष्ण योगेश्वरेश्वर वैसे ही रावणस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्ध है, उनके कर्मों की, उनके मनोभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान वहां गए। तो भाई उन्होंने वरदान किससे मांगा है, देवी जी से। तो भगवान कहते हैं मैं ही सारे रूप में हूं, इसलिए भगवान वहां पर आए। फिर भगवान ने क्या किया, तासाम बासां सुपादाय नीप मारुई सत्वरः, उनके वस्त्रों को उठा करके नीप माने एकदम ऊंची डालों पर उन्होंने टांग दिया। हसद भी प्रियसन वाली परिहास मुवाच्यः, उनका परिहास उड़ाते हुए बालकों के बीच में हास्य विलास कर रहे हैं। अच्छा, भगवान की जरा उम्र पर भी ध्यान दो, भगवान की उस समय अवस्था क्या थी, उस समय भगवान की जो अवस्था थी, भगवान जी ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी उठाए, तो 6.5 वर्ष के लगभग की उनकी अवस्था है। ऐसे भगवान ने इस लीला का संपादन किया, और वो अकेले नहीं है, सगो गोपाल को चिता अपने सखाओं को लेकर के गए, और फिर भगवान ने उन गोपियों से एक शर्त रखी, ऐसा नहीं कहा कि तुम आ जाओ, एक पहले बात कही है, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ, अगर आप अपने को मेरी दासी मानती हैं अर्थात मुझे पति मानती हैं, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ, अगर आप मेरी दासी हैं तो मैं जैसा कहता हूं आप वैसा करो। अत्रागत्य स्वासांसी प्रतीक्षन्तु सुचिस्मता, यहां आकर के आप वस्त्र मुझसे मांगो। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ही सबके पति, सभी आत्माओं के पति केवल भगवान ही है। अत्रागत्य स्वासांसी प्रतीक्षन्तु सुचिस्मता, सुचिस्मता मनी पवित्र मन के साथ ही तुम यहां आ सकते हो। और दूसरी बात, इस लीला का एक और भी प्रेरणा है स्त्रियों के लिए,
कि अगर पतिव्रता नारियां हैं तो उन्हें निर्वस्त्र होकर के जल में भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का भी एक देवता वर्ण होता है और वो वर्ण द्वारा देवता के द्वारा अंतरंग अंगों का संस्पर्श होने से तुम्हारा पातिव्रत धर्म चला जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री को कभी भी स्नान करे तो सचैल स्नान करना चाहिए, नदी में करे, चाहे कुएं पर करे, चाहे बंद कमरे में भी करे अपने बाथरूम में, तो भी उसको सवस्त्र ही स्नान करना चाहिए, कपड़े पहने पहने ही स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की यह परंपरा थी, सचैल वस्त्र के साथ स्नान, पातिव्रत धर्म की रक्षा होती है। तो भगवान ने देखा ये पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर के, इसलिए अत्रागत स्वासांसि प्रतीक्षत्तु सुचिस्मता। अब वो वस्त्र लेने के लिए बाहर आई तो उन्होंने अपने अंगों को अपने हाथों से छुपाया हुआ था। भगवान ने कहा दोनों हाथ उठा करके आप हमें प्रणाम करो। यहाँ दोनों हाथ उठाने का तात्पर्य यह है कि भक्ति में सबसे बड़ी जो बाधक चीजें हैं वो दो चीजें हैं, लज्जा और अपवाद। हम भक्ति में जब जाते हैं तो हमें लज्जा आती है, अपवाद से हम डरते हैं। अरे कहेंगे अरे भाई साहब आप इतने पढ़े लिखे होकर कथा सुनने जाते हो, इतने बड़े बाबूजी होकर के आप कथा सुनते हो, तो अपवाद से डरते हैं। लोग कहने लग जा रहे हैं तो कथाओं में सुन रहे हैं आप, जरा दो चार दिन महात्माओं के साथ में, अरे का बाबा जी बनना है क्या, कह ही देंगे लोग एक बार। अपवाद से मत डरो, सत्य मार्ग का अनुसरण करो। और दूसरी लज्जा आती है कि अगर हम ताली बजाएंगे उठ करके थोड़ा सा नृत्य करने लग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बाबू जी आप तो नाच रहे थे हमने टीवी में देखा। इसलिए घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। मीरा राजगाड़े राजघराने की थी, मारवाड़ी थी, कितनी मर्यादाएं कितनी वर्जनाएं आज भी राजस्थान में है, लेकिन संतों के बीच में मीरा क्या करती, पगे घूंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घूंघरू बांधे मीरा पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा भाई भावरी, लोग कहें मीरा भाई भावरी, सास कहे कुल नाशी रे हा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विषका प्याला राणा जी ने भेजा, विषका प्याला राणा जी ने भेजा, विषका प्याला राणा जी ने, विषका प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीर फांसी रे हा, पीवत मीर पगे घुंघरू बांधे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे।
को अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गए दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांधे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाजी रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाजी रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाजी रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाजी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 सहज मिले अभी नासी रे, सहज मिले अभी नासी रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाम चीरे, 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 पग घुंघरू बांधे मेरा घुंघरू बांधे मेरा घुंघरू बांधे मेरा नाम चीरे। तो महाराज भगवान ने इन चीरहरण लीला और हाथ उठाने की लीला से लोकापवाद और लज्जा से जो डरने की परंपरा है इसका आवरण उन्होंने हटाया। आगे